खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोगों की हो रही भर्तियों के खिलाफ है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब सत्ता में आती है हिमाचल के लोगों के हितों को बेचने के प्रयास किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोगों की हो रही भर्तियों के खिलाफ है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब सत्ता में आती है हिमाचल के लोगों के हितों को बेचने के प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हिमाचल में भाजपा सरकार द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया। प्रेम कौशल ने कहा कि जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी भाजपा सरकार ने स्कूल कैडर के लेक्चरर के पदों को गजटेड घोषित कर बाहरी लोगों को प्रदेश में नौकरियां प्रदान करने का प्रयास किया था। कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इन्वेस्टर मीट के दौरे पर भी तंज कसते हुए निवेश के नाम पर हिमाचली हितों को बेचने का आरोप लगाया है। प्रेम कौशल ने आरोप लगाया कि धूमल सरकार द्वारा हिमाचल के बाहर के अपने लोगों को नौकरियां देकर बाद में नियम को बदला गया। कौशल ने कहा कि धूमल के बाद अब जयराम सरकार भी बाहरी लोगों को प्रदेश में नौकरियां दे रही है। प्रेम कौशल के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जयराम सरकार भी हिमाचली हितों का सौदा कर प्रदेश के लोगों से धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की ऐसी नीतियों का हमेशा विरोध करती रहेगी जिन नीतियों से प्रदेश के युवाओं के हितों का नुकसान हो। कांग्रेस पार्टी ये जो भर्तियां हुई हैं हिमाचल से बाहर के लोगों की, इसके सख्त खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब हिमाचल में सत्ता संभाली कहीं ना कहीं हिमाचल के जो हित हैं, हिमाचलियों के जो हित हैं, इनको बेचने का प्रयास किया है, इनके साथ समझौता किया है। ये पहली बार नहीं हुआ कि बाहर के लोगों को हिमाचल में रोजगार दिया गया सरकार के उसमें। पहले से पूर्व भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हिमाचल स्कूल कैडर के जो लेक्चरर की पोस्टें हैं उनको गजटेड की श्रेणी में लाकर कुछ बाहर के लोगों को हिमाचल में सेलेक्ट किया गया। जितने लोगों को करना था, जिनमें इंटरेस्ट था या कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी, उनको सेलेक्ट करने के बाद फिर उस जो गजटेड की जो नोटिफिकेशन थी उसको रद्द कर दिया गया। तो एक टारगेट अचीव किया, बाहर के लोगों को सेलेक्टेड जो उनके चहेते थे उनको हिमाचल में स्कूल कैडर में लेक्चरर लगाया गया और उसके बाद उस कानून को रद्द कर दिया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो जयराम सरकार है इसने पुनः हिमाचल का जो सचिवालय है उसमें बिहार के और दूसरे राज्य के लोगों को जो है वो नौकरियां दी हैं, वो मैं समझता हूँ कि हिमाचल के हितों के खिलाफ है। विरोध करते हैं किसी भी प्रकार की जो गजटेड पोस्टें हैं, HAS है, IAS है, उसमें तो बाहर के लोग आते हैं। जो क्लास वन पोस्टें होती हैं उसमें भी बाहर के लोग आते हैं। जो इससे नीचे की पोस्टें हैं वही तो हिमाचलियों के लिए हैं कि जिसमें सिर्फ हिमाचली होंगे। अगर उनमें भी आप बाहर के लोगों को लगाएंगे तो हिमाचल के बेरोजगार कहाँ जाएंगे। तो हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर पूर्णतः से रोक लगनी चाहिए। और सरकार का जो एजेंडा, जैसे कि हमें इसी वजह से हमें शंका है, ये जो बाहर के लोगों को रोजगार दिया है कहीं ना कहीं इसमें भी कोई ना कोई जो है वो फॉल प्ले है। कहीं ना कहीं इसमें भी बाहर के जो इनके अपने लोग हैं, RSS के लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, उनके कहीं ना कहीं उनकी कोई सिफारिशें उनको मोबिलाइज करने का कोई ना कोई खेल इसके पीछे भी हो सकते हैं। प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इन्वेस्टर मीट के नाम पर विदेशी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास करने में BJP सरकार लगी हुई है जिस कारण कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की चिंता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि निवेश के प्रति BJP का गुप्त एजेंडा बना हुआ है जो कि निवेश के नाम के ऊपर बाहरी लोगों को हिमाचल की जमीनें बेची जाएंगी और हिमाचल के लोगों से खिलवाड़ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट्स कर रहे हैं जगह जगह जाके और उनके बार रोज बयान आ रहे हैं, चाहे उद्योग मंत्री के आ रहे हैं, सरकार के अफसरों के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के आ रहे हैं कि हिमाचल में बहुत निवेश आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये चिंता है, कांग्रेस पार्टी का ये कंसर्न है कि जिन लोगों ने, सरमाएदारों ने, उद्योगपतियों ने, धनाढ्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावों में मदद की है और जो एहसान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन लोगों के हैं उसको उतारने के लिए पुनः
हिमाचल के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझौता करने जा रही है, हिमाचल के हितों को बेचने जा रही है। जिस तरीके से बातें चल रही हैं कृषि में निवेश की, किसी भी तरह का निवेश अगर हिमाचल में आता है, उद्योग आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे बेरोजगार नौजवानों को, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन निवेश की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है, कांग्रेस का कंसर्न उस हिडन एजेंडे के प्रति है, कांग्रेस का कंसर्न हिमाचल के हितों के प्रति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि निवेश के नाम के ऊपर बाहरी लोगों को हिमाचल की जो ज़मीनें हैं वो दी जाएंगी, वो बेची जाएंगी, वो यहाँ आके मुनाफा कमाएंगे, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है आर्थिक तौर पर उसकी वो भरपाई करेंगे, और हिमाचल के जो हित हैं, हिमाचल के जो नौजवान हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ होगा।